हेलो दोस्तों, मैं हूं नूरुद्दीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरुद्दीन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं 38 इंच चेस्ट की कोट की कटिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नाप आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। लंबाई 29.5 है, चेस्ट 38.5, स्टमक 36.5, हिप 39.5, शोल्डर 19 है और इनकी आस्तीन स्लीव 24.5 इंच है। टू बटन की कोट है ये और साइड से कट है। दोस्तों, पहले कपड़े को हम इसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेंगे, नाप के देख लेंगे कपड़ा हमारा बराबर है कि नहीं है। दोस्तों, पहले हमको कपड़े को एकदम ऐसे बराबर करके आगे से कोर देखिए है ये, इसको हमको एकदम बराबर पहले ऐसे रख लेंगे। इसको रख के कपड़े को हम एकदम बराबर करके इसको देखिए हम एकदम पहले इसको फादे से सेट कर लेंगे। दोस्तों, पहले हम देखिए बैक की कटिंग कर रहे हैं। तो बैक की कटिंग कोट में पहले हम करते हैं। दोस्तों, एल स्केल को पहले हमको इस कोर पे यहाँ पे इसको पहले ऐसे एकदम बराबर ऐसे सीधा ऐसे रखना है। इसको ऐसे हमको सीधा रखना है, सीधा इसलिए रखना है ताकि ये हमारा बॉटम दावन जो है ये भी एकदम सीधा आए। तो देखिए, इसको एकदम हम ऐसे बराबर एकदम सीधा ऐसे रख लिए हैं। ये देखिए, ऐसे एकदम हम सीधा रखे हैं। इसको रख के पहले हम एक ऐसे बॉटम ऐसे नीचे एक निशान ऐसे लगाएंगे। इसके बाद दामन में जितना हमको इसमें दाब देना है, दाब हम 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, 1.25 इंच जितना आपको रखना है आप रख के निशान लगा लीजिए। तो हम 1.25 इंच का दाब देखिए दे रहे हैं। ये देखिए 1.25 इंच हो गया। अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ऐसे अब हम इस निशान से लंबाई का निशान लगाएंगे। पहले दोस्तों, लंबाई 29.5 इंच है। तो देखिए, ये 29.5 है, इसको हमको यहाँ पे इस निशान पे रखना है एकदम। देखिए, ऐसे बराबर ऐसे रख के इसको एकदम ऐसे सीधा हम यहाँ से ऐसे ले जाएंगे और यहाँ एक ऐसे निशान पहले लगा देंगे और फिर इसको यहीं से हमको इसका आर्मोल का निशान लगाएंगे। देखिए, सीना हमारा देखिए 38.5 है तो हमको इसका चौथाई पे रखना है। सीना 38.5, इसका चौथाई करेंगे 9.5 इंच एक सूत आएगा। तो 9.5 इंच एक सूत पे हम पहले ऐसे निशान लगा देंगे ऐसे। इसके बाद हमको कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान देखिए हमको जो है 16.5-17 पे आएगा। हम अगर कस्टमर को नापेंगे तो भी यहीं पर आएगा। और लंबाई का हम पहले आधा कर लेंगे। आधा करके इसमें 2 से 2.5 इंच ऐड कर लेते हैं। तो लंबाई देखिए 29.5 है, पहले हम इसका आधा करेंगे तो 14.5 इंच आएगा। इसमें 2 से 2.5 इंच ऐड करेंगे तो 2 इंच ऐड करेंगे तो 17.5 आएगा। तो हम 17 पे इसको निशान लगा देंगे। देखिए, ऐसे 17 पे निशान हम लगा दिए हैं। अब हम सारे निशान को पहले सीधा कर लेंगे। दोस्तों, ये सीधा भी एकदम स्केल को एकदम ऐसे बराबर ऐसे रख के ताकि ये हमारा एकदम सीधा आना चाहिए। अगर हमारी बैक का निशान टेढ़ा लग जाएगा तो फ्रंट की हमारी कटिंग सही नहीं होगी। तो इसलिए बैक को सबसे ज़्यादा ध्यान बैक पे दिया जाता है। दोस्तों, एक निशान हमको 1.5 इंच पे यहाँ लगाना है, इसके ऊपर, इससे 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना था। अब हम देखिए यहाँ पर
डेढ़ इंच पे एक निशान पहले लगाएंगे, डेढ़ इंच ये हो गया, और यहाँ पर भी डेढ़ इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हम एक इंच पे निशान लगाएंगे, एक इंच हो गया, और यहाँ पर हम पौना इंच पे निशान लगाएंगे, ये देखिए पौना इंच हो गया। अब हम सारे निशान को देखिए कैसे मिला रहे हैं। दोस्तों ये वाले निशान से हमको 3 इंच एक सूत पे हम पहले एक निशान लगाएंगे, 3 इंच एक सूत, और ये वाले सीधे वाले निशान से 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे करके इसको हम राउंड कर लेंगे। अब शोल्डर देखिए 19 है, तो 19 का आधा करेंगे 9.5 इंच आएगा, इसमें आधा इंच दाब रख के 10 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे, ये 10 इंच हो गया, और ये सीधे वाले निशान से 1.25 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। 1.25 इंच पे हम निशान नॉर्मल साइज में लगाते हैं, जिसका शोल्डर नॉर्मल हो उसमें हम 1.25 इंच लगाते हैं, ये 1.25 इंच हो गया। अब इसको हम ऐसे निशान लगा लेंगे, ये शेप स्केल से हम इसको यहाँ से इसको ऐसे निशान मिला लेंगे ऐसे। अब देखिए हमारी ये बैग हाफ बैग जो है 17 इंच हमने नापी है कस्टमर की, तो इसका आधा करेंगे 8.5 इंच आएगा, और इसमें आधा इंच और बढ़ा के 9 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे, 9 इंच ये हो गया। अब हम कमर का देखिए निशान लगाएंगे, कमर देखिए 36.5 इंच है, तो इसका हम कमर पे छठा भाग रखते हैं 36 का, तो 6×6=36, इसमें एक सूत और बढ़ाएंगे, 36.5 है तो 6 इंच एक सूत आएगा, और इसमें 3 सूत जो है सिलाई का बढ़ा के हम इसको ऐसे निशान लगा देंगे। कमर पे हमने 6.5 इंच रखा है, तो यहाँ पर 0.25 इंच बढ़ा के 7.75 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे, ये देखिए 7.75 हो गया। अब हम देखिए इसको ऐसे मिला लेंगे ऐसे निशान ऐसे, और इसको हम जो है यहाँ से ये एक चाप ऐसे बढ़ा के हमको यहाँ से ऐसे निशान लगाना है। ऐसे 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 साइड में देखिए कट है, तो साइड में कट हम 7.5 इंच का रखेंगे, ये 7.5 इंच हो गया, और 1 इंच ऊपर और बढ़ा लेंगे, और यहाँ से इसमें हम 1.5 इंच का ऐसे दाब रख देंगे, 1.5 इंच दोस्तों निशान देखिए बैक का ये लग गया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों देखिए बैक की कटिंग ये हो गई।